एक बार एक परेशान आदमी एक साधु के पास जाता है और उनको बोलता है कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं। अलग अलग लोग मुझे अलग अलग सलाह देते हैं, अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग डराते हैं, ये मत कर वो मत कर, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, दिल दुखाते हैं, कुछ लोग रोकते हैं, कुछ लोग टोकते हैं, कुछ हिम्मत भी देते हैं, अच्छा भी बोलते हैं। तो मैं किसकी बात मानूं, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं, बहुत परेशान रहता हूं, मैं क्या करूं। तो साधु उस बंदे को एक चमकता हुआ पत्थर देते हैं, उसके हाथ में पकड़ाते हैं और कहते हैं कि बाहर जाकर इसकी कीमत लगवा के आ, लेकिन एक बात याद रहे, इस पत्थर को तू बेचेगा नहीं। वो बंदा कहता है जैसे बोल रहे हैं वैसे कर लेता हूं, उनकी बात मान लेता हूं। वो मार्केट जाता है, सबसे पहले उसको एक फल वाला मिलता है, एक सेब वाला मिलता है, उसको जाके पत्थर दिखाता है, कहता है इसके बदले में तू मुझे क्या देगा। वो बंदा देखता है, कहता पत्थर तो बढ़िया लग रहा है, इसके बदले में मैं तुझे 1 किलो सेब दे दूंगा। वो कहता मुझे बेचना नहीं। वो और आगे जाता है, एक सब्जी वाला मिलता है, सब्जी वाले को वो पत्थर दिखाता है, सब्जी वाला देखता है, कहता पत्थर तो चमक रहा है, इसके बदले में तुझे 2 बोरी आलू दे दूंगा। कहता ओके थैंक यू, पत्थर वापस लेता है और आगे जाता है, एक सुनार की दुकान होती है, अंदर घुस जाता है, सुनार को जाके पत्थर दिखाता है। सुनार हैरान परेशान हक्का बक्का कहता है इतना चमकने वाली रूबी तुझे कहां से मिली। कहता इसके बदले में तुझे 20 लाख रुपए दूंगा। कहता मुझे बेचना नहीं, गुरुजी ने बोला है बेचना नहीं, साधु जी ने बोला है बेचना नहीं। वो पत्थर लेके आगे चले जाता है, शहर के सबसे बड़े हीरो के जौहरी के पास जाता है और उसको जाके वो पत्थर दिखाता है। वो बंदा पत्थर देखता है, वो भी हैरान परेशान। वो उसी वक्त एक चादर बिछाता है, उस पर पत्थर रखता है, उसको माथा टेकता है, कहता है इसके बदले में तो 1 करोड़ रुपए तुझे दूं तो वो भी कम है, इतना चमकने वाला पत्थर तुझे कहां से मिला। वो बंदा पत्थर पकड़ता है और वापस भागा भागा गुरुजी के पास और चेहरे पे खूब सारे क्वेश्चन मार्क। वो साधु उस बंदे के सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि तू अपने साथ एक बेशकीमती हीरा लेकर चल रहा था, लेकिन किसी ने इसकी कीमत 1 किलो सेब लगाई, किसी ने 2 बोरी आलू, किसी ने 20 लाख रुपए और किसी ने 1 करोड़ रुपए। ऐसे लोग भी तुझे अपने हिसाब से आंकते हैं, तेरे बारे में अपने हिसाब से बोलते हैं। अब ये तेरे ऊपर है कि तू किसके साथ रहेगा, किसकी बात मानेगा, तेरा नजरिया वैसा ही होता जाएगा। तो भाई अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जिन्हें बड़ा भाई मानते हो ये वीडियो शेयर करो और उनको भी ये वीडियो दिखाओ।